बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक होंगे। मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट किस तरह से आप खुद हासिल कर सकते हैं बगैर नादरा में जाए, बगैर किसी ऑफिस या किसी के पास जाके आप टाइम ज़ाया करें। आप अपने घर में बैठ के कोरोना वैक्सीनेशन बहुत आसानी से निकाल सकते हैं और अपने इजी पैसा से भी आप पैसे कट करवा सकते हैं, 100 रुपये और निकल आएगा, और क्रेडिट कार्ड से भी। दोनों चीज़ों से आपका जो कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट निकल जाएगा। सबसे पहले आपने कोरोना वैक्सीनेशन लिख के ओके करना है। यहाँ पर वो आपको जो मैं स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, इधर से आप चेक करें कि नादरा रजिस्ट्रेशन वैक्सीनेशन की पाकिस्तान है तो ओके करें। ये हमें गलत साइट पर ले आया, हमने इधर नहीं जाना, हमने नादरा का अपना जो है ये नादरा, ठीक है, ओके करेंगे यहाँ। तो ये पेज हमारे सामने ओपन हो गया। हमें जो है वो ये यहाँ पे पूछ रहा है सर्टिफिकेट की तस्दीक करवानी है, आपने वैक्सीनेशन रिकॉर्ड में दुरुस्ती करवानी है। अगर आपका गलत है तो आप यहाँ पे क्लिक करके दुरुस्त भी करवा सकते हैं। कवर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट का हासूल हमें ये यहाँ पे ओपन करना है क्योंकि हमें ये चाहिए। और वैक्सीनेशन के मनफी असरात के अंदराज, और अगर आपको मनफी अंदराज हैं तो आप यहाँ उसके कमेंट्स दे सकते हैं। बरूने मुल्क वैक्सीनेशन रिकॉर्ड के अंदराज और वैक्सीनेशन के अंदराज, हमने यहाँ पर वैक्सीनेशन तो हमने करा ली, हम सर्टिफिकेट चाहते हैं तो हम यहाँ पर ओके करेंगे। तो ओके करने के बाद हमारे पास ये पेज इस तरह से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने अपना शिनाख्ती कार्ड जो नंबर है वो लिख, जो भी आपका शिनाख्ती कार्ड नंबर है यहाँ पर इंटर करेंगे आप। यहाँ पर आप बताएंगे कि यार आप सी आर सी होल्ड हैं, आप हैं तो यस पे क्लिक करें, नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे, नहीं पे क्लिक किया। इसके बाद आपने यहाँ पर अपनी शिनाख्ती कार्ड की जो इशू डेट है जब आपको शिनाख्ती कार्ड मिला था आपने यहाँ पर वो लगानी है, वो डेट लिखनी है। अगर गलत होगी तो वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। अपने आईडी कार्ड से देखकर फिर यहाँ पर लिखिए। तो इस तरह से आपने सेलेक्ट करना है, जो पहले करना है मैं आपको बता देता हूँ, जो बाद में करना है वो बता देता हूँ। पहले आपने ईयर सेलेक्ट करना है, ईयर सेलेक्ट करने के बाद आपने जो है वो मंथ सेलेक्ट करना है, मंथ सेलेक्ट करने के बाद आपने एंड पे डेट सेलेक्ट करनी है, वरना वो इसको एक्सेप्ट नहीं, पहले ईयर फिर मंथ फिर डेट फिर एक्सेप्ट करेगा। ये देखो जैसे ही मैंने डेट पे क्लिक किया तो यहाँ पर उसने एक्सेप्ट कर लिया है। आगे ये एक वो आपसे छोटा सा क्वेश्चन पूछेगा प्लस से है या माइनस में, जो भी वो आपने इधर बिल्कुल ट्रू लिखना है। अब 9 + 1 कितने होते हैं, 10 होते हैं, तो मैंने 10 लिख के ओके किया तो वो मुझे यहाँ पर ले जाएगा। क्योंकि मेरा कार्ड बना हुआ है तो वो मुझे बता रहा है कि फ्राहम करदा शनाख्ती कार्ड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जारी किया जा चुका है, जारी करदा सर्टिफिकेट दोबारा डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करें। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो मेरा जो सर्टिफिकेट है वो शो हो जाएगा। तो आपका इधर क्या आएगा, यहाँ मेरा तो ये आ गया है, आपका यहाँ पर वो तकरीबन इस जगह पर इधर लिखा होगा, वैसे ही पढ़ लें समझदार हैं। आप यहां पर वीज़ा लिखा होगा, क्रेडिट कार्ड लिखा होगा और उसके साथ इजी पैसा लिखा होगा, जो भी जिससे भी आप पैसे के साथ लिखा होगा 100 रुपये फ़ी। आप जब सेलेक्ट करेंगे, अगर आपने फ़ी कट करवानी है 100 रुपीज़ हैं जो इजी पैसा से, तो आप इजी पैसा पे क्लिक करेंगे, और अगर आपने क्रेडिट से करवानी है तो आप क्रेडिट पर क्लिक करेंगे। जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने नंबर आ जाएगा कि इस नंबर पे, अगर आप क्रेडिट से करेंगे तो इधर से ही आपको एक फॉर्म देंगे, वो आपने उस पर लिखना है कि ये मेरा नंबर है, और जो भी आपसे इन्फॉर्मेशन मांगेंगे लिख के ओके करेंगे।
तो वो आपका जो उसके बाद फीस कट जाएगी 100 रुपये, और सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए आ जाएगा। और अगर इसी पैसा से आप ओके करेंगे तो फिर आपको वो नंबर देंगे कि ये फीस जमा करवाएं। आपने अपने मोबाइल से इजी पैसा ऐप ओपन करनी है। ऐप ओपन करने के बाद आपने वहाँ से जो आपका सर्टिफिकेट का वो नंबर देंगे कि ये चलान नंबर देंगे, वो आप लिख के अपने इजी पैसा जायज़ कैश इजी पैसा अकाउंट से ओके करेंगे, तो वो आपका 100 रुपीज़ कट जाएगा इधर। और इधर आप दोबारा नीचे जो आप ओके करेंगे तो आपका वो फीस जमा हो जाएगी, और आपका यही यहाँ पर सर्टिफिकेट डाउनलोड करें लिखा हुआ आ जाएगा। तो फिर आप यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको सर्टिफिकेट डाउनलोड करें उन्होंने लिखा है, यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट आएगा, यहाँ पर कार्ड साइज सर्टिफिकेट डाउनलोड करने। अगर आपने कार्ड साइज का डाउनलोड करना है तो कार्ड साइज का डाउनलोड करके उसको आप कार्ड पे प्रिंट करवा के और लेमिनेशन करवा लें, चाहे कागज़ पे प्रिंट करवा के उसे लेमिनेशन करवा लें, वो भी ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है। तो इधर ओके किया मैंने, तो ये मेरा सर्टिफिकेट जो है डाउनलोड होना शुरू हो। इसे मैं ओपन करके दिखा देता हूँ आपको, आपका भी इस तरह से ही आएगा। ये देखिए कार्ड साइज में मेरे पास जो है डाउनलोड हो चुका है। तो दोस्तों, जहाँ से आपको समझ नहीं लगी आप मेरे से दोबारा पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इंफॉर्मेटिव वीडियो भेजता रहता हूँ, और आपके लिए जो वीडियो है वो बगैर सर्च करने इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँचती रहेंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, जहाँ से समझ नहीं लगी वो कमेंट मुझे करें, कमेंट से पूछें, मैं आपको फ़ौरन जवाब दूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, फिर एक बार कहता हूँ अल्लाह हाफिज़, वस्सलाम।